अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, और आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ यहाँ के मेडिकल क्लिनिक में, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं। क्यों करवाने हैं और अगर करवाने हैं तो कैसे करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल इस थोड़े से छोटे से शॉर्ट्स में दूंगा मैं आपको। तो चलो चलते हैं, बस का वेट करते हैं एंड पहुँचते हैं क्लिनिक पे। कुछ टेस्ट करवाने थे, उसमें से एक टीबी का टेस्ट था जिसके लिए वैक्सीन लगी है। अब उसका रिजल्ट आएगा अभी थर्सडे तक आएगा, थर्सडे को वापस आना था तो अपॉइंटमेंट ले लिया यहाँ से। अब जो ब्लड सैंपल मुझे देने थे दो तीन और चीज़ों के लिए, ब्लड सैंपल के लिए इंडिया की तरह नहीं होता है कि यहीं पर उन्होंने ब्लड सैंपल ले लिया और रिपोर्ट भेज दी। उन्होंने बोला कागज़ दिया है मुझे, बोला वो कागज़ जाके वहाँ पर लैब रिपोर्ट में दिखाना है, जो लैब्स हैं वो कागज़ उनको देना है, देन वही वहाँ पर ब्लड सैंपल लेंगी और वही मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो गूगल पे देखा है मैंने, यहाँ से जो सबसे पास में रिपोर्टिंग सेंटर है या जो लैब है वो 10 किलोमीटर है, तो बस लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। आज है नेक्स्ट डे, आज मेरा फॉलो अप था क्लिनिक पे। क्लिनिक में गया, उसने चेक किया, ऑफ कोर्स नेगेटिव था, और ट्यूसडे को बुलाया है वापस से क्योंकि सेकंड स्टेप होता है टीबी का टेस्ट करने के लिए। ओवरऑल जो ये प्रोसेस थी क्लिनिक में, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना, उसके बाद ब्लड सैंपल देने के लिए जाना, एज ए नॉर्मल पर्सन आई वुड से इट वॉज वेरी इजी एंड प्लीजेंट फॉर मी एज अ फर्स्ट टाइम हु इज गेटिंग हिज सैंपल्स डन। क्लिनिक में जाओ, अपॉइंटमेंट लो और जो भी आपका काम है आप वो करवा सकते हो, एंड प्रोसेस भी काफ़ी ईजी थी, तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। टोटल कॉस्ट इसकी मुझे लगी है $125, क्योंकि मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं था, विच आई वुड से यहाँ के हिसाब से इट्स ओके प्राइस, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं था। ऑफ कोर्स इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट यहाँ के हिसाब से ठीक था। अगर मेरे पास हेल्थ कार्ड होता तो इसके मुझे एक भी डॉलर देने नहीं पड़ते, पर अब जो भी है जैसा भी है चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।